शौक काजी गो काजी गो काजी मुखिया तेरा शौक काजी और ना चले नाराजी गो काजी मुखिया तेरा शौक काजी गो काजी 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 गो काजी शौक काजी गो काजी मुखिया तेरा शौक काजी गो 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 काजी गो काजी मुखिया तेरा शौक काजी काजी तेरी जिंदगी शर्मिंदगी काजी तेरी जिंदगी शर्मिंदगी काजी तेरी जिंदगी शर्मिंदगी काजी तेरी जिंदगी शर्मिंदगी शर्मिंदगी काजी तेरी जिंदगी शर्मिंदगी शर्मिंदगी काजी तेरी जिंदगी काजी तेरा जिंदगी मुखिया तेरा शौक काजी गो काजी गो काजी मुखिया तेरा शौक काजी गो काजी गो काजी मुखिया तेरा शौक काजी गो काजी स्लो स्लो यार स्लो स्लो थोड़ी थोड़ा स्लो स्लो मुखिया तेरा शौक काजी गो काजी गो काजी मुखिया तेरा शौक काजी गो काजी गो काजी ओ लमिया डंगा नी मान नाल काजी ठीले मेरा ना गो काजी तेरा शौक काजी गो इदे हवा ना उदे हवा Go, 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 go,
सरकारी पैसे से का पुतला लाया गया है, उस पर डंडे और सोटे मारे जा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बहुत बड़ी तादाद में सुखा जा रिकॉर्ड करवा रहे हैं। एक इलामती पुतला लाया गया है और उसको जलाया जाएगा और उसको कोड़े मारे जाएंगे। ये मनाजिर हैं, आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। जैसे कि पीटीआई पूरे जो है पाकिस्तान में एहतजाजी मुजाहरे कर रही है, इसके साथ साथ बुखला भी सड़कों पर आ चुके हैं। ये मनाजिर हैं और इस वक्त काजी फाजीजा का इलाम भी पुतला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर लाया गया है और उसको यहाँ पे जो है जेरे आतिश किया जाएगा, नजरे आतिश किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं मनाजिर, ठंडे मारे जा रहे हैं काजी फाजीजा के पुतले को। इस वक्त पीटीआई की वकला सड़कों पे सराफा एहतजाज है। काजी फाजीजा के पुतले को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के बाहर जला दिया गया है, नजर आतिश कर दिया गया है। ये मनाजिर है और उसमें देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के बिल्कुल सामने काजी फैजीसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैजीसा का जो है एक इलामती पुतला जलाया गया है और वकला ने अपनी तहरीक का जो है प्रॉपर लिया। जैसे कि पीटीआई इस वक्त पूरे मुल्क में सरापा एहतजाज है, कारकुनान हो या लीडर या पीटीआई के वर्कर्स हों या लीडर्स हों, सब सरापा एहतजाज है। उसी के साथ साथ पीटीआई के जितने भी इंसाफ लॉयर फॉर्म के जितने भी वकला हैं वो भी इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। और ये आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के बाहर के ये मनाजिर हैं और बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त जो है वकला पहुंच चुके हैं। वकला की तादाद बढ़ती चली जा रही है। वकला ने इलामती पुतला काजी फैजीसा का इलामती पुतला इस वक्त जला दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बिल्कुल सामने। ये मनाजिर आप इस वक्त देख सकते हैं। आजादी, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है।
काजी गो काजी गो काजी गो काजी। आप इधर आ जाओ ना यार, बुनियाद पे एहतजाज करेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये एहतजाज कामयाब होगा, मुल्क आजाद होगा, इस काले करतूतों वाले काजी से मुल्क आजाद होगा, इस काले कानून से आजाद होगा, इस काली जजमेंट से आजाद होगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे पुरअज़म हैं कि हमने हमेशा आईन और कानून की बालादस्ती की जंग लड़ी है और हमेशा कामयाबी हमारा मुकद्दर रही है। कहां कहां से लोग अभी ये फैसलाबाद का काफिला अभी पहुंचा है, मैं इनको वेलकम करता हूं। अभी इन्होंने पूरा इस्लामाबाद बंद किया हुआ है, वकला के लिए सुप्रीम कोर्ट तक आने के तमाम रास्ते बंद हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि वकला को सुप्रीम कोर्ट नहीं आने दिया जा रहा, कंटेनर लगाए गए हैं। अभी सदर सुप्रीम कोर्ट बार हमारे उमर अयाद संधू साहब जो हैं, उन्होंने इस बात की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और इसके खिलाफ हम लाहे अमल इख्तियार करेंगे। हम लाहे अमल 63A की दूसरी समाअत अंदर जारी है, अगर साबिक चीफ जस्टिस के फैसले को कलदम करार दे देती है ये चीफ जस्टिस का, तो आपके लोगों को तोड़ा जाएगा, हाउस ट्रेडिंग का रास्ता खोला जा रहा है, इस पर क्या तवज़ात है? आपने अगर का लफ्ज एमए इस्तेमाल कर लिया, मैं सच कहता हूँ कि ये बेंच बनाया ही ये गैंग है। अब ये जो बैठा हुआ है ना, ये पांच का गैंग है जिसे मैं काजी गैंग कहता हूँ, और उस काजी गैंग ने ये तय करके बैठे हैं कि हमने उस ऑर्डर को सेट असाइड करना है। कोई कानूनी बात नहीं सुनी जा रही, कोई आईनी बात नहीं सुनी जा रही। टाइम बार्ड हम लेके जाते हैं, एक दिन टाइम बार्ड केस उठा के फाइल फेंकी जाती है। आज कौन सी क्यामत आई हुई है कि वो रिव्यू पिटिशन जो मेंटेनेबल ही नहीं है उसके ऊपर कल से समाज चल रही है। ये मैंने कहा है कि काली करतूतों के साथ काला इंसाफ देने जा रहा है, काली जजमेंट देने जा रहा है, लिहाजा अगर निकाल दें, इसने फैसला कर लिया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA सेनेटर्स शैतान की तरह खड़े रहेंगे और कोई इनको तोड़ने की जुरत नहीं कर सकता। और अगली बात बता दूं, मौलाना फजलुर रहमान ने जो कल स्टेटमेंट दी कि इस फॉर्म 47 की हुकूमत के पास आईनी तरामीम का कोई इख्तियार नहीं है, तो लिहाजा ना फजलुर रहमान की, मैं कहता हूँ सिर्फ फजलुर रहमान ने, शर्मानी चाहिए जो जमहूरियत पे यकीन रखने वाली पार्टियां हैं। वो किस तरह से ये कह सकती हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त दी जाए? वो कैसे कह सकती हैं कि जो अनइलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं कोई आईनी तरामीम करें? और ये खुद कह चुके हैं हमारे पास नंबर पूरे नहीं हैं। जब नंबर पूरे नहीं हैं तो क्या खरीदो फरोख्त का बाजार लगा के आप इस पार्लियामेंट को बेतौकीर करने जा रहे हैं? फैसले जिंदगी में होते हैं और फैसले जब किए जाते हैं, तो उसमें जस्टिस मुनीर का भी फैसला होता है, जस्टिस कार्लिनियस का भी फैसला होता है। ये है मुतजाद। अब जब ये काजी के फैसले तारीख की किताब में लिखे जाएंगे तो प्रो मुनीर, प्रो मैक्स मुनीर जस्टिस हमारे साथ इस वक्त इस अदालत के अंदर बराजमान है। प्रो मैक्स जस्टिस मुनीर है काजी फायज। काजी फायज ऐसा कल भी बद्दयानत था, बेशरम का, आज भी बद्दयानत है, आज भी खाइन है, कल भी खाइन। तो हीने अदालत लग सकती है आप पे सर? मैं कहता हूँ लगाएं तो हीने अदालत। हम कहते हैं कि हमारे वकला को वहाँ रोका क्यों? यहाँ आए ना, हमें रोकें, आए हमारे ऊपर जुल्म करें। हमने पेट्रोल पंप सहे हुए हैं, जाने दी हुई हैं, डायरेक्ट गोलियां खाई हुई हैं, हम पीछे। इश्तियाक साहब आखिरी सवाल, इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी है और आप लोग क्या डी चौक पहुंचेंगे जिस तरह के सारे हालात हैं? इंशाल्लाह खान जहां बुलाता है
कौम वहाँ लब दीवाने चले आते हैं, कौम लब बैक कहती है। आप देखिएगा कि इस्लामाबाद बंद हो जाएगा, इतनी दुनिया होगी कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इंशाल्लाह क्यों? खान के साथ अवाम खड़ी, खान के साथ ये काला कोट खड़ा है, खान के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। जब जुल्म किया जाता है तो फिर जुल्म है बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है टपकेगा तो जम जाएगा। हम खड़े हैं और हम खून के आखिरी कतरे तक इस मुल्क के आइन का दिफा करेंगे, इस मुल्क का दिफा करेंगे, इस अदालत का दिफा करेंगे जो आजाद मनस जजिस पे मुश्तमिल अदालत है, इस काजी का दिफा नहीं करेंगे। काजी पहले भी झूठा था, आज बेशरम काजी को, बेशरम काजी को, बेशरम काजी को।